क्या आने वाले समय में बृजभूषण शरण सिंह और अखिलेश यादव एक साथ एक ही चुनावी मैदान में उतरते नजर आएंगे या नहीं? बड़ा सवाल है, लेकिन अहम सवाल के जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान बृजभूषण शरण सिंह को केसरगंज की सीट से भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उतारा। उनका टिकट बीजेपी ने केसरगंज की सीट से काट लिया था, लेकिन उसके बाद ही उनके बेटे करण भूषण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि करण भूषण सिंह ने वहां से जीत तो दर्ज कर ली है, लेकिन उनकी जीत से शायद बीजेपी और बीजेपी आला कमान खुश नहीं है। तमाम कार्यकर्ताओं के बीच उनकी जीत से ही नाखुशी का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि करण भूषण सिंह की सांसदी भी अब खतरे में आती जा रही है। करण भूषण सिंह के साथ साथ ही बृजभूषण शरण सिंह की नाराजगी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी से नाराज हैं, बृजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं। ये तमाम बार अपने बयानों में बृजभूषण शरण सिंह साफ स्पष्ट कर चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ से उनका नाराज होना लाजमी है। योगी आदित्यनाथ को वो अपना गुरु नहीं मानते हैं। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी हालाकमान ने जिस हिसाब से इस बार बृजभूषण का टिकट काटा है केसरगंज की सीट से, अब इसी सीट पर और बृजभूषण शरण सिंह जो कहीं ना कहीं एक ऐसे नेता बने हुए हैं जो कभी भी बगावत कर सकते हैं, इसी का फायदा उठाकर अखिलेश यादव बृजभूषण पर दाव चल सकते हैं। जी हाँ, ये हम इसीलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखें बृजभूषण शरण सिंह की नाराजगी जो है वो अब सर चढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह के से काफ़ी ज़्यादा नाखुश है, काफ़ी ज़्यादा नाराज है। बृजभूषण शरण सिंह पर जिस हिसाब से यौन शोषण का मामला कहीं ना कहीं चल रहा है, यौन शोषण के मामले के चलते भी बृजभूषण शरण सिंह की सुनवाई तो लगातार हो रही है, लेकिन अभी तक भी रिहाई या एक तरह से कहें तो जो आरोप उन पर कहीं ना कहीं तय किए गए हैं, इन आरोपों का भी कोई भी जवाब, कोई भी जनाधार अभी तक नहीं देखने को मिला है। जिस हिसाब से बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ रखी हैं, आने वाले समय में बेटे करण भूषण सिंह की स्थिति भी बद से बदतर हो सकती है। केसरगंज की सीट कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह के हाथों से, और वहीं अगर आपको बता दें कि केसरगंज की सीट जो इस बार इस समय मौजूदा स्थिति में करण भूषण सिंह के पास है, उनके हाथों से भी जा सकती है।